हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो बहुत दिनों बाद मैं आपके साथ अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और यहाँ पर ना मैं तीसी फटक रही हूँ, जिसको कि अलसी या फिर फ्लैक्स सीड बोलते हैं, और बहुत दिनों से रखा हुआ था। आजकल हो रहा था कि आजकल कर लूँगी, कल कर लूँगी, लेकिन हो नहीं पाया। 2-3 महीने से रखी हुई थी ये तीसी, तो सोचा कि चलो अब इसका भी काम तमाम करते हैं। तो इसको फटक कर इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, और रोस्ट करने के बाद ना इसको ग्राइंड में महीन पीस लूँगी, और इसका जो पराठा और या फिर पूरी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। और ये खिचड़ी और लौकी की सब्ज़ी में भी पड़ती है। जो लोग बिहार से होंगे ना, उनको पता ही होगा तीसी के बारे में, और यूट्यूब पे तो ढेरों वीडियो हैं तीसी के, बहुत सारे यूज़ हैं। तो फ़िलहाल तो मैं सिर्फ खाने के यूज़ में ही लाती हूँ तीसी। और साथ ही साथ मैं मूंगफली और मखाने भी रोस्ट कर लूँगी, ये फिर शाम के समय ना चाय के साथ खाने में काम आ जाएगा। तो जो भी सब पेंडिंग पड़ा हुआ था ना कि आज करना है कल करना है, तो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, मैं फ्री हो चुकी हूँ, तो अब यही सब तो करना है। तो ये सब चीज़ करके मैं रख दूँगी, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब करनी है, सो मैं धीरे धीरे करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और ये जो वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ ना आपके साथ, ये 2 या 3 दिन का वीडियो मैंने मर्ज करके अपलोड किया है, क्योंकि मेरे पास कंटेंट ही नहीं था कि मैं क्या शेयर करूँ आपके साथ। बहुत दिन हो गए हैं वीडियो बनाए ना, तो माइंड में वैसा कुछ आ नहीं रहा है। अब आप कमेंट करोगे तो कमेंट के हिसाब से, जैसा कमेंट आएगा मैं उस हिसाब से वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अब मैं भी चाहूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ, आप सबके साथ अपने व्लॉग शेयर करूँ। और आगे तो नवरात्रि भी आ रहे हैं, दिवाली आ रहा है, और बिहार का सबसे बड़ा महापर्व छठ आ रहा है। और कोई वीडियो मैं डालूँ ना डालूँ, मैं छठ का वीडियो ज़रूर अपलोड करती हूँ। तो उन सब वीडियोस के लिए जो भी नए हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं नवरात्रि और छठ पर्व से रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो भी शेयर करूँगी। तो मखाने में मैंने सिर्फ देसी घी डालकर इसको रोस्ट कर दिया था, और शाम के समय में जो सुबह में पूजा में फूल चढ़ाती हूँ ना, वो मैं शाम के समय में हटा देती हूँ, और शाम को सिर्फ मैं एक दिया जलाती हूँ, और जो है मैं एक भगवद गीता का पाठ करती हूँ, एक माला जाप भी करती हूँ। तो ये सारे फूल जो है मैंने अलग से एक प्लास्टिक का डब्बा रखा हुआ है, तो उसमें मैं डाल देती हूँ, और उसके बाद जो है एक दिया जला देती हूँ। और कहते हैं कि दिया कभी भी खाली नहीं जलाना चाहिए, तो इस करके दिया में मैंने पहले जो है चारों तरफ तिलक लगा दिया कुमकुम का, और उसके बाद मैं मौली का जो है ये बत्ती बनाऊंगी, और फिर ज्योति जला लूंगी। मैं ना धूप बत्ती एक ही बारी बनाकर रख लेती हूँ, और इससे क्या होता है कि टाइम की बचत होती है, और बच्चों का घर में कहती हूँ ना कभी कभी, तो बेटा दिया बाती कर दो, तो जोत तो नहीं जलाते, धूप बत्ती ज़रूर जला देते हैं। और मैं पूजा में अगर बत्ती यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ धूप बत्ती जलाती हूँ। हमारे कुल देवता पे भी मेरी मदर इन लॉ ना अगरबत्ती जलाती थी, तो मैं अब वहाँ पर भी धूप बत्ती ही जलाती हूँ। अगरबत्ती मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं आता है। हाँ, फादर इन लॉ जो है वो मम्मी जी को रोज़ अगरबत्ती दिखाते हैं, माथा टेकते हैं उनके आगे, तो इस करके वो अगरबत्ती जलाते हैं, मैं बिल्कुल अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ। और यहाँ पर मैं भगवद गीता पढ़ रही हूँ, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा परेशान है, और मैं जब भी परेशान होती हूँ ना, तो मैं भगवद गीता खोल कर बैठ जाती हूँ। मैं सिर्फ शादी से पहले एक बार भगवद गीता मैंने पूरा कम्प्लीट किया था, उसके बाद मैंने बिल्कुल भगवद गीता को हाथ ही नहीं लगाया था। पढ़ने की भी कोशिश करती थी ना, तो एक पन्ना दो पन्ना पढ़ती थी, फिर वैसे ही रह जाता था।
तो अभी फिलहाल मैंने फिर से स्टार्ट किया है भगवद गीता को, और पढ़ने से तो अच्छा लगता है, फील होता है कि मैं मेरे कृष्ण के आगे, मैं मेरे मुरलीधर के आगे बैठ के उनसे सवाल जवाब कर रही हूँ, तो अच्छा लगता है। और शनिवार का ये व्लॉग था ना, जो रात को मैंने खिचड़ी ही बनाई थी, मैंने कहा ना कि मन बहुत परेशान है तो कुछ करने का भी मन नहीं करता है फिलहाल, तो सिर्फ मैंने खिचड़ी बनाया था और खिचड़ी के साथ रॉक्सी के लिए रोटी, क्योंकि वो तो खिचड़ी खाएगी नहीं, तो उसके लिए मैंने 4-5 रोटी बना दी थी और साथ में पापड़ सेक दिया था। तो ये हमारे शाम का डिनर है, अब मैं आपसे मिलूँगी 2 दिन बाद। तो अब मैं आपसे 2 या 3 दिन बाद मिल रही हूँ, और किस दिन मिल रही हूँ मुझे खुद नहीं पता है। ढेर सारे कपड़े थे और बाहर बारिश भी हो रहे हैं, तो बारिश से क्या लेना देना, कपड़े हैं तो कपड़े तो धोना ही पड़ेगा। अलग बात है कि 1 या 2 दिन में सूखेंगे, तो मैंने इसकी परवाह ना करते हुए मशीन लगा दी, क्योंकि कपड़े धोना बहुत ज़रूरी था। और बेडशीट मैंने चारों बेड का ही बेडशीट उतार दिया था, बहुत दिन हो गए थे, मतलब बहुत दिन हुए थे, 1 हफ्ता होने को था, तो 1 हफ्ता होने लगता है ना तो बिस्तर पे बिल्कुल बैठने का मन नहीं करता, तो इस करके मैंने चेंज कर लिया। नीचे का भी बेडशीट में उठा कर ले आई थी, बिट्टू के बेड का, इधर दोनों बेड का, तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। इधर तो अभी मौसम सुहावना हो रखा है, धूप नहीं निकल रही है 3-4 दिन से, आई मीन 4-5 दिन तो हो ही गए होंगे। आप लोग कहाँ से हैं और आपके यहाँ का मौसम का क्या हाल है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तक तो हमारे यहाँ वैसी धूप निकली नहीं है, तो फिलहाल ये सारे बर्तन जो है ना मेरी दाई ने साफ़ किए हैं, जिसको मैं दोबारा से साफ़ करके फिर यूज़ करूँगी, क्योंकि ये बर्तन साफ से नहीं धोती है। इसको मैं हमेशा बोलती हूँ बर्तन साफ़ से धोया करो, साफ से धोया करो, लेकिन बता लें कि बर्तन साफ़ से धोए, बिल्कुल बर्तन भी साफ से नहीं धोती है, और मुझे इसके हाथ का काम भी पसंद नहीं पड़ता। मजबूरी में मैंने इसको रखा हुआ है, क्योंकि कोई नहीं है, ना हस्बैंड है इसका, ना बेटा है, बेटी दामाद भी है, तो क्या बोलूँ मैं, मतलब सब गत कर रखते हैं इसकी। तो हस्बैंड बोलते हैं कि रहने दो, जब तक काम कर रही है करने दो, और तुम ही एडजस्ट कर लो, इसको छोड़ दो। तो इसको जैसे मन होता है ये काम कर लेती है, बाकी सब मुझे खुद से ही साफ़ करना पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं अरहर की दाल को जीरा और साबुत लाल मिर्च में फ्राई कर रही हूँ, और इसके बाद इसी में 2-3 चोखा डाल दूँगी, तो अरहर की दाल भी बन जाएगी और आलू का चोखा भी बन जाएगा। तो इस तरह से अरहर का दाल जो है थोड़ा सा फ्राई करके बनाने से ना टेस्टी बनती है। और एक चीज़ ना, वॉइस ओवर करते करते मैं खुद नोटिस करती हूँ कि मेरी टोन ना बिल्कुल बिहार जैसी हो गई है, जैसे बिहार में बोलते हैं ना वैसी मेरी टोन हो गई है। तो चलो कोई बात नहीं, जैसा देश वैसा भेष, वैसी भाषा हो ही जाती है। अरहर की दाल जो होती है ना थोड़ा सा भूंज के बनाए ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे भूंजा हुआ अरहर की दाल ज़्यादा पसंद आता है। और इसमें या तो फिर साबुत जीरा या फिर लाल मिर्च का तड़का रहने दो, या फिर प्याज और टमाटर का लगा दो, तो प्याज और टमाटर का मैं कम ही लगाती हूँ। तो दोपहर का खाना बस यही है, दाल चावल और आलू का चोखा, भिंडी का भुजिया है, लेकिन बिट्टू कह रहा था कि मम्मी आलू का चोखा बना देना, तो आलू का चोखा बनाऊंगी अभी। बिट्टू अभी आया नहीं है स्कूल से और यशवीर आज स्कूल गया नहीं है, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं बच्चों के, तो आज से ही क्लास स्टार्ट था, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आज से क्लास स्टार्ट था, तो यशवीर नहीं गया क्योंकि उसकी आँखें जो ना लाल हो रखी थी इस करके। और कल जो मैंने कपड़े धोए थे ना वो अभी तक नहीं सूखे हैं, वैसे के वैसे ही है, मतलब जितनी ड्राई मशीन में हो चुके थे ना उतने ही ड्राई हैं। रात को मैंने क्या किया ना कि रात को मैंने निकाल के उठाकर उसको अंदर रख दिया था सोफे पे कि कहीं बारिश में गीला ना हो जाए, बारिश तो हुई नहीं, लेकिन जो पूरी रात कपड़े सूखता वो सूखा नहीं है। फिर मैं अभी जो है इसको बाहर ऐसे जैसे दिन सारी थी वैसे ही मैंने इस तरह से फिर से टांग दिया है, ये देखो उधर गली में भी है, मौसम इसी तरह हो रखा है एकदम बारिश टाइप का, लेकिन सुबह से बारिश हुई नहीं है। और एक चीज़ पूछना था मुझे आपसे कि मैंने ना मेरी ननद की शादी का जो वीडियो है एग्ज़ाम की वजह से अपलोड नहीं किया था, क्योंकि उसमें एडिटिंग वगैरह में काफ़ी टाइम लग जाता, तो अब मैं चाहती हूँ कि अपलोड कर दूँ, क्योंकि अब तो मैं फ्री हूँ, अब तो मुझे करना भी नहीं है,
एग्ज़ाम की वजह से अपलोड नहीं की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, एक दो घंटे लग जाते, ऊपर से मुझे रिचुअल्स के बारे में उतना पता नहीं था, तो मैं किससे पूछती किससे नहीं, तो पता तो मुझे अभी भी नहीं है। एडिट करने टाइम में मैं चाची से पूछ रहा हूँ कि चाची ये जो हो रहा है इसको क्या कहते हैं, तो मैं एक दो दिन में ना जितने भी 3-4 वीडियो होंगी ननद की शादी के मैं सारे अपलोड कर दूँगी, क्योंकि शौक था कि इसकी शादी का जो वीडियो है मैं अपलोड करूँ, लेकिन कर नहीं पाई। तो फिलहाल अभी बस दोपहर में 1:30 बज रहे हैं, दाल चावल और चोखा बनने के बाद मैं फ्री हूँ। फ्री तो नहीं हूँ भाई, में बहुत कुछ चल रहा है फिलहाल करने का, तो अभी जो है ना कुछ और ही दिमाग में चल रहा है। ये भी सोचती कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, लेकिन कर अभी फिलहाल कुछ भी नहीं पा रही, क्योंकि रह रहे कि माइंड जो है ना पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जा रहा है। फिर भी कोशिश कर रही ट्रैक पर फिर से आने की, और पूजा पाठ करना नहीं था, ऑयलिंग कर रखी है कल से, तो अब मैं जो है कल मंगलवार है ना, मंगलवार को नहीं बुधवार को हेयर वॉश करूँगी, हेयर टोनर बनाऊँगी, क्योंकि बाल जो है काफ़ी ज़्यादा खुले हो चुके हैं हेयर फॉल होते होते। अभी तो चलो हेयर फॉल बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट ज़रूरी है, और अब बाल में छोटे करवा लूँगी, अब नहीं रखने लंबे वाला, मैं भी बाल छोटे करवाने लगी हूँ, कितने छोटे करवाऊँगी वो आपको वीडियो में मिल जाएगा। फिलहाल मैं अभी हेयर कट कर दूँगी, इतने इतने बाल में उठा दूँगी, इतने इतने बाल खचाक सब बाल उठ जाएंगे मेरे, तो चलिए मिलते हैं। तो ये है हमारा आज का बहुत 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 ही सिंपल सादा खाना, लंच दाल चावल और चोखा। खिचड़ी के बाद अगर किसी सादे खाने का नाम आता होगा ना, तो ये दाल चावल चोखा ही होता होगा, और मेरे घर में तो ये ज़्यादातर यही बनता है, क्योंकि दोनों बेटों के बहुत नखरे होते हैं कि मम्मा ये सब्ज़ी नहीं खाना वो सब्ज़ी नहीं खाना, तो मेरे लिए सबसे आसान होता है कि भाई दाल चावल चोखा बना दो। तो फिलहाल ये व्लॉग यहीं तक है, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आप पुराने हो पहले से मेरी वीडियो देख रहे हो तो आई एम वेरी सॉरी कि आप लोग मेरे व्लॉग की वेट करते हो, और मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया था, थोड़ी परेशान थी, लेकिन अब रेगुलर रहूँगी।